WTC को फाइनल के लेकर इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज से शुरू हो रहा है बट अच्छी खबर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स यानी यूट्यूब चैनल में। तो WTC का फाइनल आज स्टार्ट हो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, बट इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब खबर क्यों नहीं अच्छी है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट मेरे चैनल पे नए आ रहे हो स्पोर्ट्स यानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, WTC का फाइनल आज 3:30 बजे से शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। इंडिया की टीम ऑलमोस्ट सेट है, मतलब उसमें 11 की बात कर लिया जाए, सुनील गावस्कर का 11 मैं बता लूं तो उन्होंने जो चुना है, देखिए ओपनिंग में अभी भी जो चीजें दिक्कत हैं उसी लिए दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, WTC फाइनल के लिए रोहित शर्मा के हैंड पे इंजरी लगी है, अब वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्या प्रॉब्लम है, अब क्या पूरा वो टेस्ट खेल पाएंगे, बहुत दिक्कत है। तो अच्छी न्यूज नहीं है, अब रोहित शर्मा WTC फाइनल से बाहर भी ना हो जाए आज के मैच में पता ही चलेगा। लास्ट तक अभी फिटनेस पे BCCI और पूरी हो मेडिकल टीम ने पूरा देख रही है और ये है। बट जो सुनील गावस्कर का 11 आया है वो मैं बता देता हूँ, रोहित शर्मा, शुभम गिल, पुजारा, विराट, रहाणे, और रहाणे के बाद उन्होंने जडेजा, उसके बाद KS भरत को और अश्विन और शार्दुल में से कोई एक, या वो उन्होंने ये भी बोला है जयदेव उनादकट या आपके क्या कहते हैं उमेश यादव, या तीनों में से कोई एक, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। उसके बाद दो मोहम्मद सिराज एंड मोहम्मद शमी इज द मेन बॉलर, और ये सारी चीजें हैं, या उमेश यादव, ठीक है। तो 3 फास्ट गेंदबाजी, बाकी आपके स्पिन गेंदबाजी में ये रहा, ओके। तो ये सारी न्यूज है जो WTC का फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इंडिया एक वर्ल्ड कप जीत जाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे ज्यादा लग रही है फेवरेट, क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत दिन से इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया ने अभी IPL जस्ट सारे प्लेयरों खेल के गए हैं, तो दिक्कत वाली बात ये होने वाली है गाइस, ओके। तो बाकी ये न्यूज है, बाकी आपको पता है कि रेसलर जितने थे आपके, साक्षी मलिक, वीनस फोगाट और बजरंग पुनिया अपने जॉब में रिटर्न हो चुके हैं, क्योंकि बोले कि अमित शाह से मिले हैं और हम लोग करते रहेंगे, बट वहाँ पे प्रेशर ऊपर से रहा होगा, भाई जॉब खोगे या ये खोगे, तो भाई जॉब भाई उन लोगों के लिए जरूरी थी तो इसीलिए चले गए। और उसके बाद कहते हैं एशिया कप को लेकर, एशिया कप को लेकर बहुत ज्यादा घामाचोल हो चुका है, एशिया कप पे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कहाँ होगा क्या होगा। आपको एशिया कप जल्दी होने वाला है तो भाई देख लो भाई, एशिया कप का जल्दी डेस्टिनेशन कर लो, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। तो एशिया कप में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइट चल रहा है, क्योंकि अदर टीम तो साइलेंट रहेगी, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो कहीं भी खेल सकती है, बट इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया कहीं भी नहीं खेल पाएगी ना, इंडिया जाके पाकिस्तान नहीं, अदर कंट्रियों में खेल सकती है, जैसे ओमान खेल सकती है, आपके क्या कहते हैं दुबई में खेल सकती है, श्रीलंका खेल सकती है, बांग्लादेश खेल सकती है, इन सारे कंट्रियों में खेल सकती है, बट अदर जगह नहीं खेल पाएगी, ओके। तो इन सारी चीजों का ये न्यूज थोड़ा सा अपडेट था, तो सोचा मैं आपको साथ साझा करूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।